हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम दम आलू बनाने जा रहे हैं। दम आलू आज हम पंजाबी स्टाइल से बनाएंगे, जिसके लिए हमने ये 10 छोटे साइज के आलू लिए हैं, जिसको हमने बॉईल करके पील करके लिया है। ये एक बड़े साइज के प्याज हमने बड़े पीसेस में कट करके लिया है। 2 छोटे साइज के टमाटर हमने बड़े पीसेस में कट करके लिए है। ये धनिया पत्ती है, 8-10 लहसुन की कलियाँ है, 1.5 इंच का अदरक का पीस है, ये 2 तेज पत्ता है, 1.5 इंच का दालचीनी का पीस है, ये थोड़ी कसूरी मेथी हमने ली है, 1 बड़ा चम्मच हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच हमने नॉर्मल रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर ली है, 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ली है, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। नमक हमें स्वादानुसार लगेगा। ये हमने पानी लिया है ग्रेवी बनाने के लिए, और ऑयल हमें लगेगा आलूओं को फ्राई करने के लिए और ग्रेवी बनाने के लिए। तो आइए हम दम आलू बनाना शुरू करते हैं। सभी आलू को हमें फोक से इस तरह से होल करने के हैं, ताकि मसाला पूरी तरह से अंदर जा सके। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी आलू को हमने फोक से छेद करके लिए है। मैंने कढ़ाई में पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। ये आलू मैं इसमें अभी फ्राई होने के लिए डालती हूँ। अभी ये हम दूसरे साइड को पलट लेंगे। देखो नीचे के साइड से कल बहुत ही अच्छा कलर आया है आलूओं को। अभी हम सभी आलूओं को पलट लेते हैं। एक साइड को फ्राई होने में 5 मिनट का वक्त लगता है। आलूओं को बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। हमने सभी आलूओं को अभी पलट लिया है। वापिस से हम इसे 5 मिनट के लिए दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू पे बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये सभी हमारे आलू अभी फ्राई हो चुके हैं। हमने ये 1.5 टेबल स्पून ऑयल इसमें रखा है। इसमें हम ये प्याज डालेंगे। ये लहसुन और अदरक भी हम इसमें फ्राई करने के लिए डालेंगे। 2 मिनट के लिए हम प्याज और अदरक और लहसुन को भून लेंगे। प्याज को भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये टमाटर डालेंगे। इसमें हम ये थोड़ा सा नमक डालेंगे। ताकि हमारे टमाटर थोड़ा सा जूस छोड़े। टमाटर डालने के बाद सभी चीज़ों को हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे मिक्सी जार में से निकाल लेती हूँ। यह हमने इसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसे गैस ऑन करके लिया है। ये तेज पत्ता है, दालचीनी जिसे हमने बारीक पीसेस में करके लिया है। अभी हम ये स्टेज में इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। दूसरा वाला रेड चिली हम अभी नहीं डालेंगे, सिर्फ कश्मीरी रेड चिली हम अभी डालने वाले हैं। इसमें मैं अभी जो पेस्ट मैंने बनाया है मिक्सी के जार में, वो ऐड करती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने प्याज और बाकी की चीज़ों का जो पेस्ट बना के लिया था इसे 3-4 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर, नॉर्मल रेड चिली पाउडर और नमक। इन सभी चीज़ों को हम अभी ऑयल छूटने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा पानी डालेंगे। हम इसे मीडियम कंसिस्टेंसी की ग्रेवी बनाएंगे, ज़्यादा पतली नहीं और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। अभी हम ग्रेवी बॉईल आने देंगे और फिर बाद में इसमें आलू डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ग्रेवी को बॉईल आ चुका है। अब हम ये जो आलू हमने फ्राई करके लिए थे ये इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छे से हिला लेंगे एक बार और फिर उसे 5-7 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें हम अभी थोड़ा सा ये गरम मसाला ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 5 मिनट के लिए कढ़ाई पर ढक्कन रख के आलू को ग्रेवी के साथ बॉईल करके लिया है। अब मैं ये ढक्कन निकाल लेती हूँ और इसमें हमें ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है जो मैंने थोड़ा सा ड्राई करके लिया है। और ये कुछ धनिया पत्ती हमने कट करके ली थी, ये हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। इस तरह से हमारी दम आलू की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दम आलू की रेसिपी, पंजाबी स्टाइल दम आलू की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है। हमने इसे धनिया पत्ती और थोड़ा सा मलाई से गार्निश किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।